बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का स्टार्ट था। पार्ट बी का एक सेक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, दैट व्हाट आर द डिस्क्रिमिनेटरी प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। ओके, दूसरा जो इसका आगे सेक्शन दिया गया है कि हाउ यू विल एस्टैब्लिश, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू एस्टैब्लिश, नेक्स्ट लेक्चर में उसे डिस्कस करेंगे क्योंकि बुक में सीक्वेंस नहीं है ये वाला। देन जी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट की तरफ आते हैं, दैट आर डिफाइन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। आपको अच्छी तरह से रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की डेफिनेशन याद है, हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। नाउ गिव द एप्लीकेशंस इन हॉस्पिटल। अब जी हम आ जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की तरफ। बार बार वही बात है जो हम लोग स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो आपके पास रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं, एप्लीकेशन डायग्नोसिस में है, ट्रीटमेंट में है, पैलिएशन में है। ओके, सबसे पहले डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन की तरफ आओ। हम लोगों ने पढ़ा था ना, फॉर एग्जांपल अगर कुछ नहीं याद हो आपको, इतना तो याद है ना, आयोडीन 131 डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें उसके गैमा रेज को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा डिटेल डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन पढ़ते हैं। इसमें आपके ऑथर ने लिखा है डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, यू विल नीड रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, वो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स दैट आर इमिटिंग दी गैमा रेडिएशंस। दीज गैमा रेडिएशंस आर यूज्ड टू प्रोब। प्रोब का मतलब है टू इन्वेस्टिगेट। हमने कहा था ना प्रोब यूज करते हैं, प्रोब वो इंस्ट्रूमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा था। इंग्लिश में जो आपके पास वर्ड प्रोब है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द इन्वेस्टिगेशन। आपके ऑथर ने कह दिया दीज गैमा रेडिएशंस या गैमा इमिटिंग रेडियो आइसोटोप्स आर यूज टू प्रोब। These are used to investigate the physiological and pathophysiological functions of human body. Physiological, normal functioning. Pathophysiological, diseased state. Physio को ख़राब कर दिया किसने? Pathogens ने, pathology ने, disease ने, disease को represent कर रहा है। ठीक है, तो जी normal conditions, normal investigations के लिए, एबनॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए, पैथोलॉजिकल कंडीशंस की डायग्नोसिस के लिए यू विल यूज दी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब जी आपके जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं, आपके ऑथर ने कह दिया दीज आर इमिटिंग दी गैमा रेडिएशंस। ये जो आपकी गैमा रेडिएशंस हैं, दे विल गेट लोकलाइज इन द पर्टिकुलर ऑर्गन जिसको आप इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हो। जी मैंने थायराइड को इन्वेस्टिगेट करना है, गैमा रेडिएशन इधर जाके लोकलाइज्ड हो जाएगी, आसान अल्फाज में उधर जाके इकट्ठी हो जाएंगी, आपको एक इमेज डिस्प्ले आ जाएगा। किसके ऊपर? कंप्यूटर के ऊपर। इमेज लेगा कौन आपका? कौन लेगा? कैमरा लेगा ना कोई। नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर आओ, इधर आपको दिखाया गया है जो आपने आई वी यूजुअल रूट दिखा दिया गया, आपने पेशेंट को आई वी दिया रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का, प्रॉब लगाया जैसे थायरॉइड में लगाया था, या जिस भी लोकेशन का आपको इमेज चाहिए वहाँ प्रॉब लगाया, दैट वॉज कंटेनिंग द कैमरा। प्रॉब ने, कैमरा ने क्या किया, इमेज लिया और उसको डिस्प्ले कर दिया आपके कंप्यूटर के ऊपर, आपके इमेज डिस्प्ले मोनिटर के ऊपर। ऐसे ही दिखाया गया है ना डायग्राम में, और ऐसे ही होता है। देन जी नेक्स्ट के ऊपर आ जाओ, आपके ऑथर ने कह दिया कि आपके पास जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं, दैट आर लार्ज नंबर ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, ज़्यादातर 95% आर अवेलेबल टू ट्रेस, टू लोकेट द इमेजेस, टू फाइंड, टू इन्वेस्टिगेट द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब जी ऑथर ने कहा आप रेडिएशंस की बात कर रहे हैं, कितनी रेडिएशंस एट लीस्ट इमिट होनी चाहिए, आइडियल रेंज क्या है कि जी ये मेरे पास रेडियो फार्मास्यूटिकल है, कितनी रेडिएशंस एनर्जी है ना, कितनी एनर्जी रिलीज करे कि कम से कम इमेज बन जाए। ठीक है, तो इसमें उसने कह दिया जो गैमा एनर्जीज हैं, जो रेडिएशंस इमिट हो रही हैं, उनकी जो गैमा एनर्जीज है, डेट मस्ट बी बिटवीन 100 KeV टू 200 KeV। आसान सी वैल्यू ना, 100 to 200। ठीक है, जो गैमा रेडिएशंस इमिट हुई उसकी एनर्जी 100 से 200 तक होनी चाहिए। यूनिट क्या है? KeV। KeV स्टैंड फॉर, ब्लैक बॉक्स में देखो, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ओके, एनर्जी का यूनिट आ गया ना इधर आपके पास। अब जी ऑथर ने कहा एप्लीकेशन का नोट आया हुआ है आपको लिखने के लिए, डेफिनेटली रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के नाम तो आप मेंशन करें। जी डायग्नोस्टिक रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में सबसे पहले यू हैव दी टेक्नीशियम 99,
आगे लिखा गया एम। एम इधर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मेटास्टेबल न्यूक्लियर आइसोमर को। मींस व्हाट दिस इज रिप्रेजेंटिंग, दिस इज रिप्रेजेंटिंग आपका जो रेडियो आइसोटॉप है उसका जो न्यूक्लियॉन है वो हायर एनर्जी स्टेट में है। न्यूक्लियॉन मींस न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, हायर एनर्जी स्टेट में एज कम्पेयर्ड टू दी ग्राउंड स्टेट। एम इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम इज रिप्रेजेंटिंग दी मेटास्टेबल स्टेट। ये लिख लो अपने नोट्स में, ठीक है। आपके जी डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन में ये टेक्नीशियम है। अब टेक्नीशियम डायग्नोज करना है ना, इमेज गेट करना है। इमेज किसका गेट करेगा? एप्लीकेशन स्केलेटन का, हार्ट मसल्स का, और हार्ट का, मसल्स का, ब्रेन का, थायराइड का, लंग्स का, लिवर का, स्प्लीन का, आगे क्या मेंशन है? स्प्लीन, किडनी, गॉल ब्लैडर, आगे बोन मैरो और सलाइवरी एंड लैक्रिमल ग्रैंड, ठीक है बच्चों, लिखे भी चीज़ को पढ़ा करो। देन जो आपके पास इंडियम डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन, इंडियम 111, ठीक है, दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ इन्फ्लेमेशन, यानी कि इन्फेक्शन कहाँ पर है, ओके। देन यू हैव द एप्लीकेशन ऑफ आयोडीन 123, इसको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं क्योंकि इसके साथ आयोडीन 131 को भी हमने डिस्कस करना है, ठीक है। थेलियम 201 की एप्लीकेशन क्या है बच्चों? देखो, दैट इज़ यूज टू डायग्नोज, दैट इज़ यूज टू गेट द इमेज ऑफ व्हाट? कॉरोनरी आर्टरी, आर्टरीज का, ठीक है, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज में इसको इस्तेमाल करते हैं, इन दी पैराथायरॉयड हाइपर एक्टिविटी, ठीक है। देन जी आपके पास आ गया गैलियम, गैलियम 67 इज, इट इज़ यूज फॉर डायग्नोजिक विच टाइप ऑफ कैंसर? हॉस्किन डिजीज, लिम्फोमा और लंग कैंसर। बच्चों आप लोगों ने नाम लिखने हैं, फॉर द बेस्ट आंसर आप लोगों ने उसका डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन भी लिखनी है, ठीक है। रह क्या गया था हम लोगों का? आयोडीन 123। पहले हम लोग पढ़ते रहे ना आयोडीन 131, अब क्या है 123, ठीक है बच्चों। आयोडीन 131 और 123 में आखिर कोई तो डिफरेंस होगा ना, कौन सा बेहतर है? इसके ऊपर आपको डिफरेंट आर्टिकल्स मिलेंगे। अब देखो आर्टिकल आपको इधर नज़र आ रहे हैं बच्चों, अब इन आर्टिकल्स के अंदर रेड में हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं ना, इसमें लिखा है कि जब आप लोग आयोडीन 131 डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली वो रेडिएशन से इमिट करता है। उस केस में रेडिएशंस क्या करती हैं, उनकी एनर्जीज क्या करती हैं कि आपका जो थायराइड टिश्यू है उसको डैमेज कर देती हैं। अब जब आपने ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन दी तो क्या होगा? दैट ट्रीटमेंट विल नॉट बी इफेक्टिव। जबकि ऐसा केस आयोडीन 123 के साथ नहीं है, ठीक है। इसमें लिखा है जी दिस विल इमिट, ये नहीं कि गैमा भी रिलीज कर रहा है, बीटा भी रिलीज कर रहा है, नो, दिस इज डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन इज, दिस इज रिलीजिंग ओनली गैमा रेडिएशन। सो लो डोज में आपने दे दी, दिस इज द आइडियल आइसोटोप डायग्नोसिस के लिए, वी विल प्रेफर आयोडीन 123, क्लियर बच्चों। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। ये थी आपकी डायग्नोस्टिक, खाली डायग्नोसिस के लिए एप्लीकेशन, जहाँ आपके पास इमेजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास आ गई थेराप्यूटिक एप्लीकेशन, यानी कि ट्रीटमेंट की एप्लीकेशन। अभी आपने नोट्स नहीं पढ़े, आपको ऑलरेडी पता है आयोडीन 131 इज़ यूजिंग फॉर हाइपर एक्टिव थायरॉयड ग्लैंड्स। अच्छा बच्चों, अब इसके अंदर आपके ऑथर ने कह दिया वी हैव डिज़ाइंड द रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जो कि सिलेक्टिव हैं टूवर्ड्स द नियोप्लास्टिक या कैंसर सेल्स। हमने पढ़ा था ना डीएनए को डैमेज करेंगे, जो लाइक सिसप्लेटिन वाली एग्जाम्पल में पढ़ा था। अच्छा जी, अब जी थेराप्यूटिक एप्लीकेशन है, डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन में वी विल रिक्वायर द गैमा रेडिएशंस, वाइल इन केस ऑफ द थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस वी नीड द बेटा रेडिएशंस। अब आपको ऑथर ने कह दिया दे आर यूज इन थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस, वाई? बिकॉज दे आर इमिटिंग, ये रिलीज कर रहे हैं बीटा रेडिएशंस को। अब जी एप्लीकेशंस की तरफ आने से पहले उसने कहा आपने एनर्जीज डिस्कस की थी गैमा की, दैट वर 100 to 200 KeV, ठीक है। अब गैमा रेडिएशंस को, बीटा रेडिएशंस को अगर आप थेराप्यूटिकली इस्तेमाल कर रहे हैं,
उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 0.521। उसमें था ना 100 का डबल था 100 से 200, इधर 1 का डबल, 0.5 का डबल, 0.521 यूनिट इज गुड। MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा जी, अब आपके ऑथर ने कह दिया थेरेप्यूटिक के लिए हम लोग जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इस्तेमाल करते हैं उनकी जो हाफ लाइफ है दैट इज़ इन सेवरल डेज, ताकि आपको डोजिंग बार बार ना करनी पड़े, ठीक है। अब जी एग्जांपल्स ऑथर ने डिस्कस नहीं की, हम एप्लीकेशंस पढ़े हैं, 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है यू मस्ट नो कि जी एप्लीकेशंस क्या है। कुछ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के नाम लें आप, फर्स्ट नेम इज़ फॉस्फोरस 32। किसके लिए देखो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ब्लड डिसऑर्डर्स। ब्लड डिसऑर्डर का नाम इधर क्या लिखा गया है, पोलीसाइथीमिया वेरा एंड सर्टन टाइप ऑफ ल्यूकीमिया। ल्यूकीमियाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, और आपके पास एक डिजीज़ है पोलीसाइथीमिया वेरा, जिसके अंदर क्या है RBCs की प्रोडक्शन, RBCs की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, RBCs का काउंट बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गई, ब्लड की थिकनिंग होगी, ब्लड का फ्लो स्लो हो गया, देर आर चांसेस ऑफ क्लोटिंग, ठीक है। एक एप्लीकेशन इधर ये आ गया आपके पास फॉस्फोरस 32, क्लियर। पैलिएटिव एप्लीकेशन, यानी कि ट्रीटमेंट नहीं हो रहा लेकिन पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ QOL को हम बेहतर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर पेन है, पेन से उसको रिलीफ दे रहे हैं। अब इधर एप्लीकेशन है कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर यूज्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट, जबकि इरेडिकेट नहीं कर रहा डिजीज कंडीशन को। अब जी ऑथर ने एग्जांपल्स मेंशन कर दी, स्ट्रॉन्शियम 89, फॉस्फोरस 32। अभी आप लोगों ने थेरेप्यूटिक में पढ़ा है फॉस्फोरस 32, वहाँ पे पॉलीसाइथीमिया वेरा के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, ल्यूकीमियाज के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, बी पैलिएशन में भी इस्तेमाल हो रहा है। इस केस में आपने फॉस्फोरस 32 इस्तेमाल हो रहा है पेन को रिलीफ करने के लिए, कैंसर में पेन को रिलीफ करने के लिए स्ट्रॉन्शियम 89 भी यूज़ हो रहा है टू रिलीफ द पेन ड्यूरिंग द कैंसर मेटास्टेसिस इन द बोन्स, ठीक है। कैंसर बढ़ गया, योर बोन्स आर अफेक्टेड, तो इट मीन्स पेन है, तो पेन को रिलीफ करने के लिए जो कि एक टर्मिनल स्टेज आ गई आपके पास कैंसर की, वी आर यूजिंग द स्ट्रॉन्शियम 89, वी आर यूजिंग द फॉस्फोरस 32, क्लियर। इसी चीज़ की वेरिफिकेशन आपके एक रिसर्च आर्टिकल में कर दी गई PubMed के अंदर, के जो आपके पास स्ट्रॉन्शियम 89 है दैट इज़ FDA अप्रूव्ड, दैट इज़ यूज टू रिलीव द पेन इन द कैंसर, 28 पेशेंट्स के ऊपर स्टडी गई की गई, द रिजल्ट्स वर इफेक्टिव, क्लियर। फॉस्फोरस 32 पहले हमने कहा ल्यूकीमियाज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, पैलिएशन पेन रिलीफ के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इधर देखो मैंने इसकी ब्लैक कलर के बॉक्स में एग्जांपल डाली है और साथ में इसकी एक डोजेज फॉर्म भी डाली है। स्किन कैंसर, स्किन कैंसर में पेशेंट को पेन है, स्किन कैंसर हुआ, लीजन पड़ गई, ठीक है, लीजन पड़ गई, लीजन का स्किन कैंसर दो डिफरेंट पेशेंट है, दोनों में लीजन का साइज डिफरेंट है, लीजन का शेप डिफरेंट है, तो आपके पास मार्केट में यू हैव कस्टमाइज कहते हैं टेलराइज्ड, उस शेप के अकॉर्डिंगली उसके साइज के अकॉर्डिंगली आपके पास पैचेस, सील्ड पैचेस मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप लीजन के ऊपर लगा देंगे, दैट विल गिव यू रिलीफ फ्रॉम दी पेन, पैलिएशन है, रिलीफ दे रहा है, कौन से रेडिएशन एमिट कर रहा होगा, बीटा रेडिएशन। डोजेज फॉर्म इधर मैंने आपको कौन सी बता दी, पैचेस, देखो डिफरेंट अनयूजुअल डोजेज फॉर्म आ गई ना आप लोगों के पास, क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक। सो ये आपका लेक्चर था एप्लीकेशंस ऑफ दी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्लानिंग एंड द रिक्वायरमेंट्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेडियो फार्मेसी।